अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं डिस्कस करूंगा कि आफ्टर और लेटर, इन दोनों में क्या अंतर होता है, यानी कब तो आपको आफ्टर का इस्तेमाल करना और कब आपने लेटर का इस्तेमाल करना है। सबसे पहले देखिए कि आफ्टर जब आता है ना, तो उसके साथ में एक फ्रेज होना चाहिए, यानी आफ्टर अकेला नहीं आएगा, आफ्टर किसके साथ आएगा, किसी फ्रेज के साथ आएगा। वहीं पर जो लेटर है ना, वो अकेला आता है, लेटर कम्स अलोन, ठीक है, उसके साथ कुछ नहीं आएगा, वो अकेले आ सकता है, वो सेंटेंस के एंड में अकेला इस्तेमाल किया जा सकता है बिना किसी फ्रेज को उसके साथ लिखे हुए। देखिए यहां पर एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल कॉल यू लेटर, जैसे मैंने कहा कि लेटर जो है वो अलोन आ सकता है, ठीक है, जबकि आफ्टर को अपने बाद फ्रेज चाहिएगा, तो ये बिल्कुल सही है। आई विल कॉल यू, यहां पर देखिए क्या इस्तेमाल किया गया, आफ्टर, तो आफ्टर के बाद तो फ्रेज आना चाहिए, जो क्लियरली यहां पर दिख भी रहा है, ये देखिए ये फ्रेज हो गया। आई गेट होम फ्रॉम वर्क, ये जो हो गया फ्रेज है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट ही बोट अ न्यू कार, पहले उसने नई कार ली। 2 वीक्स लेटर, देखिए यहां पे कोमा लगा है, इसका मतलब ये एंड हो गया। ही बोट अ न्यू मोटरसाइकिल, ठीक है, तो यहां पर ये अलोन ही आपका आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ही बोट अ न्यू मोटरसाइकिल 2 वीक्स आफ्टर, अब देखिए आफ्टर के बाद तो फ्रेज आना चाहिए जो आया हुआ है, आफ्टर ही बोट अ कार, तो ये ध्यान रखिएगा कि आफ्टर के बाद फ्रेज आएगा और लेटर के बाद जो होगा कुछ आने की जरूरत नहीं है, वो अकेला आएगा तो सही हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, जो लेटर होगा ना, उसके बाद अगर आपने कुछ इस्तेमाल ही करना है तो आप किसी टाइम पीरियड को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी लेटर के बाद अगर कोई चीज आ सकती है तो क्या आ सकती है, टाइम पीरियड, ठीक है, और ये किस चीज को रेफर करेगा, ये रेफर करेगा अनस्पेसिफाइड टाइम को, वो भी कहां पर, इन द फ्यूचर, फ्यूचर के अंदर अनस्पेसिफाइड टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, रेफर करने के लिए हम लेटर के साथ किसी टाइम पीरियड का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले एग्जाम्पल पे देखते हैं, आई विल फिनिश द प्रोजेक्ट, ठीक है, फिर मैंने इस्तेमाल किया गया लेटर, लेटर के बाद जो वर्ड इस्तेमाल किया गया देखिए क्या है, दिस वीक, ये जो दिस वीक है ना, ये आपका टाइम पीरियड को बता रहा है, ठीक है। आगे देखिए, वी विल गो ऑन वैकेशन लेटर दिस ईयर, ये भी आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, टाइम पीरियड को। और टेंस देखिए दोनों में कहां क्या इस्तेमाल हुआ है, यहां पर भी विल, यहां पर आई शैल, तो यहां पर वी शैल, ठीक है, तो दोनों के दोनों में फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल किया गया, जैसा मैंने कहा ही था आपको कि फ्यूचर को रेफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा लेटर प्लस टाइम पीरियड। नेक्स्ट देखिए, नेवर एंड ए सेंटेंस विथ आफ्टर, आफ्टर के साथ कभी भी सेंटेंस को एंड नहीं करना होता, ठीक है, मैंने पहले बताया कि आफ्टर के बाद या तो फ्रेज आता है, ठीक है, या फिर हमने देखा कि लेटर के बाद टाइम पीरियड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आफ्टर को एंड में इस्तेमाल करना ही पड़ा तो आफ्टर का इस्तेमाल ना करें आप, आफ्टर वर्ड्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। डिड यू गो स्ट्रेट होम, देखिए यहां पर आफ्टर है, आफ्टर द बेसबॉल गेम, यहां पर तो ये एंड में नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर देखिए इसको और इस सेंटेंस को कंपेयर कीजिएगा, ध्यान से इसको ऑब्जर्व कीजिएगा, तो आप देखेंगे वी वेंट आउट फॉर ड्रिंक्स आफ्टर, ये गलत है, ये टोटली गलत है, ठीक है, ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जब एंड में आएगा इसको अपने बाद कुछ ना कुछ चाहिए, तो आप यहां पर आफ्टर का इस्तेमाल ना करके आफ्टर वर्ड्स का करें, यानी कि अगर एंड में आपको आफ्टर मिलता है किसी सेंटेंस के तो वो गलत हो जाएगा। चलिए इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूं, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को शेयर कर रहे हैं मैं उनको दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, थैंक यू।